गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको भारतीय राजनीति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, भारत में दलीय व्यवस्था। आप सब जानते हो बच्चों कि आज हमारी जो भारतीय राजनीति या भारतीय सरकार जिस पर टिकी हुई है वो है आपकी दलीय व्यवस्था। आप सब जानते हैं आज़ादी से पहले ही एक सबसे महत्वपूर्ण दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। 1885 में हमारे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे जाकर के हमारे राष्ट्रीय दल की भूमिका अदा की। आज़ादी के बाद भी 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व हमारे भारत पर रहा। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो व्यक्तित्व था, क्योंकि हमारी भारतीय राजनीति आज भी व्यक्तित्व प्रधान है, करिश्मावादी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है उसी पर दल जो है वो निर्भर रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि आज़ादी से पहले ही बहुत अच्छी बनी हुई थी। 1947 से लेकर 1967 तक भारतीय राजनीति में एक दल का प्रभुत्व रहा, वो दल था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन बदलाव नजर आ रहे थे, देखा जा रहा था, कई दल आ गए थे और दलों की राजनीति राज्यों में ज्यादा हावी होती जा रही थी। राज्यों में अनेक नए नए राजनीतिक दल उभर करके आ रहे थे। 1967 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन आपका पंजाब, हरियाणा, कई ऐसे इलाके थे जहां पर बच्चों दूसरी सरकारें बनी। तो इससे धीरे 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 1967, 1977 और 1980 के बाद की जो राजनीति है उसमें काफ़ी फेरबदल हो गया बच्चों। एक ध्रुवीकरण जो राजनीति थी वो बहु ध्रुवीकरण हो चुकी थी। एक ध्रुवीकरण का मतलब है पहले राजनीति केवल कांग्रेस पर टिकी हुई थी, जबकि 1967 के बाद 1970, 1977 और 1980 के बाद की जो राजनीति है बच्चों वो बहु ध्रुवीकरणित हो चुकी थी। राजनीति में काफ़ी फेरबदल होने लग गया, राजनीति में विभिन्न दलों का प्रभुत्व आने लग गया था और हमारी भारतीय राजनीति में दल की प्रधानता इस बात से साबित हो जाती है कि अगर किसी दल का नेता अच्छा है, प्रभुत्वशाली है, तो उस दल की विजय निश्चित होती है, जिसका नमूना हमारी भारतीय राजनीति में आज भी देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मावादी व्यक्तित्व था, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने दोबारा सरकार बनाई। तो ये किसका करिश्मा है बच्चों? दल का करिश्मा है, दल के नेता का करिश्मा है। तो हमारी भारतीय राजनीति में की दलीय व्यवस्था में कई बातें हमने देखने को मिलती है, वो समझते हैं। ये समझने के बाद में ही हम आगे की राजनीति को समझ पाएंगे बच्चों। तो देखते रहिए मेरा वीडियो ताकि आप भारत की दलीय व्यवस्था को आसानी से समझ सकें। देखो बच्चों, रजनी कोठारी जिन्होंने भारतीय राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसी रजनी कोठारी ने कहा कि भारत की जो व्यवस्था है वो कांग्रेस शासित व्यवस्था है, कांग्रेस व्यवस्था है। भारत की दलीय व्यवस्था वैसी है जैसी कांग्रेस की व्यवस्था है। कांग्रेस जैसा चाहती है वैसा ही दल में है। दल जो प्रभुत्व है वो कांग्रेस के दल का प्रभुत्व है। ये क्यों कहा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में 1967 तक जिस दल का प्रभुत्व रहा वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी आधार पर रजनी कोठारी ने कहा था कि भारत की जो दलीय व्यवस्था है वो कांग्रेस की व्यवस्था है। मॉरिस जोन्स ने कहा कि भारत में दलीय व्यवस्था कांग्रेस शासित व्यवस्था है, क्योंकि कांग्रेस का प्रभुत्व ही भारतीय राजनीति पर छाया हुआ है, ऐसा मॉरिस जोन्स ने कहा। लेकिन समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी भारतीय राजनीति की उथल पुथल को देखते हुए दलीय व्यवस्था की निम्न में
विशेषताएं हम बता सकते हैं कि भारतीय राजनीति में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। बच्चों देखो, बहुदलीय व्यवस्था, आप सब जानते हैं बच्चों कि 1967 तक एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन हमारे भारत में बहुत सारे दल है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे हमारे देश में द्विदलीय व्यवस्था नहीं है बच्चों, हमारे भारत में बहुत सारे दल है। तो हमारी भारतीय राजनीति की दलीय व्यवस्था की पहली विशेषता है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन और अमेरिका की तरह यहाँ द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल मौजूद हैं। उसके बाद है दलों में आंतरिक गुटबंदी, ये तो चलती ही रहती है। आप सब जानते हो दल में से भी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो दल से अलग होना चाहते हैं, आंतरिक रूप से गुटबंदी जो है इन बीच में चली जाती है, जिसका नमूना हमने राजस्थान सरकार में देखा कि सचिन पायलट और आपके अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है और आपके सचिन पायलट साहब जो उप मुख्यमंत्री है, उन दोनों के बीच में आंतरिक गुटबंदी चली और सचिन पायलट ने अपना एक आंतरिक गुट बना लिया जबकि अशोक गहलोत साहब ने एक अपना आंतरिक गुट बना लिया। तो हमारी भारतीय राजनीति में दलों में आंतरिक गुटबंदी चलती रहती है। उसके बाद आता है नीतियों व कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीतियां हैं या आपकी बीजेपी भाजपा की क्या नीतियां हैं, ये कोई भी स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि भारतीय राजनीति में ये राजनीतिक दल अपने नीतियों और कार्यक्रमों में लगातार फेरबदल करते जा रहे हैं। तो नीति और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद जो है भारतीय राजनीतिक दलों में नहीं की जा सकती बच्चों। इसके अलावा राजनीतिक दल बदल, ये प्रणाली तो हमारे भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिली 1967 से लेकर 70 और 77 से लेकर 79 तक की भारतीय राजनीति को अगर हम उठा करके देखते हैं तो कई राजनीतिक दल या कई राजनीतिक नेता अपने दल को परिवर्तित कर लेता है। बीजेपी कांग्रेस वाले में शामिल हो जाता था, कांग्रेस वाला बीजेपी में शामिल हो जाता था। तो इस दल बदल के कारण जो है सरकार बदल जाती थी। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो बच्चों, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आपकी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में बहुमत होता है दल का, जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो अगर दल का बहुमत ही नहीं होगा और वो फेरबदल करते जाएंगे तो हमारी सरकार स्थायी कैसे रहेगी? तो ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, राजनीतिक दलों में फेरबदल बढ़ता जा रहा था। और इसी के लिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को, संविधान के जो हमारे भारतीय संसद है उसको भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा बच्चों, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल प्रणाली पर क्या लगाया गया, नियंत्रण लगाया गया और कहा गया कोई भी एक जो आपका व्यक्ति है वो राजनीतिक दल, दूसरे राजनीतिक दल में जाता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। माना अगर कोई पूरा राजनीतिक दल दूसरे दल में जा रहा है तो उस दल को मान्यता दी जा सकती है। तो ये जो दल बदल किया जा रहा था 1985 के बाद, इस दल बदल में कमी हुई। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। इस संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर नियंत्रण करवाया गया, काबू करवाया गया। और इसके बाद भी, लेकिन आज भी आप जानते हो कि हमारी भारतीय राजनीति का जो तिहाई हिस्सा है अगर दल बदल करते हैं तो उसको मान्यता दी गई है। पूरा राजनीतिक दल दल बदल लेता है तो उसको मान्यता मिली हुई है। तो आज भी राजनीतिक दल बदल की जो प्रणाली है वो हमारी भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, निर्दलीय उम्मीदवार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, निर्दलीय दल बढ़ते जा रहे हैं और इन दलों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण भारतीय चुनाव प्रणाली निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रही है। तो निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या हमारी भारतीय राजनीति में बढ़ती जा रही है।
आज लोकसभा में भी मान के चलो कई ऐसे राजनीतिक दल उभर करके सामने आ रहे हैं। उसके बाद है कथनी व करनी में अंतर। ये तो आप सब जानते हो, जब गवर्नमेंट बनती है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन कथनी और 5 साल के में जो कार्य किए जाते हैं वो उतने नहीं होते जितनी उनकी घोषणाएं होती है। किसानों के लिए घोषणाएं, श्रमिकों के लिए घोषणाएं, बेरोजगारों के लिए घोषणाएं, निर्धन गरीब लोगों के लिए घोषणाएं होती है, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होती है। तो इन राजनीतिक भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल जितनी घोषणाएं करता है वो उतनी पूरी नहीं कर पाता है। तो कथनी व करनी में अंतर आपको भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। उसके बाद है व्यक्तित्व का महिमा मंडन। ये तो आपने भारतीय राजनीति में देखी थी, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो चलता था वो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर था, इंदिरा गांधी का काल भी व्यक्तित्व पर निर्भर था, और आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब के व्यक्तित्व के कारण ही बीजेपी की सरकार जो है आपकी लोकसभा चुनाव में बन पाई है। बच्चों, वो किसके बलबूते पर है? व्यक्तित्व। तो भारतीय राजनीति में दल के नेता के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। ये हमारे भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी है बच्चों। तो पहली विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था, दूसरी है दलों में आंतरिक गुटबंदी, तीसरी नीतियों व कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव, राजनीतिक दल बदल, निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, कथनी व करनी में अंतर और व्यक्तित्व का महिमा मंडन। अब बात आते हैं, हम भारतीय दलीय व्यवस्था को देखें तो हमारी दलीय व्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। ये 3 तरह के दल भारतीय दलीय व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बच्चों, बात कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार ये सवाल पूछा गया है, कौन सा, कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों को मान्यता कैसे मिलती है। बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर अब तक मान के चलो 15 या 20 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस चीज को मैं क्लियर करवा रही हूँ। तो ध्यान से मेरे इस टॉपिक को सुनिए आप, राष्ट्रीय दल को मान्यता कब मिलती है? लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों से या अधिक राज्यों में उसको 6% कुल वैध मतों का, अगर उसको 6% मिला है तो मान के चलना बच्चों उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, बशर्ते उसको लोकसभा की 4 सीटों को प्राप्त करना होगा, तभी वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत हो सकता है। तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों से 6% वोट प्राप्त करने पड़ेंगे या लोकसभा की 4 सीटों को प्राप्त करना पड़ेगा, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। उसके बाद आता है या तो ये होना चाहिए या लोकसभा की 2% सीटों पर उसने विजय प्राप्त करी हो। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से भी अगर उसने लोकसभा के चुनाव में 2% वोट प्राप्त कर लिए तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, 2% 3 राज्यों से। इसके अलावा राज्य शासित दल का दर्जा अगर उसको 4 राज्यों में मिल गया है तो इसका मतलब मान के चलो उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आता है क्षेत्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है। अगर विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का उसने 6% वोट प्राप्त कर लिया है, 6% वोटों से वो विजयी हो गया है, या विधानसभा की उसने 2% सीटें प्राप्त कर ली है 6% वोट के साथ, तो वो क्षेत्रीय दल की मान्यता उसको मिल जाती है, या लोकसभा की 6% वोटिंग प्राप्त की हो, 1 सीट प्राप्त कर ली हो, लोकसभा के कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करने के साथ लोकसभा की अगर 1 सीट भी उसने प्राप्त कर ली तो उस दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, या
या विधानसभा की कुल सीटों का 2% या 3 सीटें। विधानसभा के जो चुनाव करवाए गए हैं उसमें या तो उसने 2% सीटें प्राप्त कर ली हो या 3 सीटें प्राप्त कर ली हो तो भी उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा 2011 में कहा गया कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में अगर उसने 8% वोट भी प्राप्त कर लिए तो भी उसको क्षेत्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। तो क्षेत्रीय दल की मान्यता के लिए विधानसभा में 6-2, इसके अलावा 6% और 1 सीट, इसके अलावा 2% या 3 सीट या 8% वोट उसने प्राप्त की हो तो क्षेत्रीय दल की मान्यता उसको मिल जाती है। और राष्ट्रीय दल की बात हम अगर करें तो राष्ट्रीय दल में मैंने बताया कि लोकसभा या विधानसभा में 4 या अधिक राज्य में 6% वोट प्राप्त कर लियो और इसके साथ लोकसभा की 4 सीटें उसने प्राप्त कर ली हो या लोकसभा की 2% सीटों पर विजय प्राप्त करी हो 3 राज्यों से तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। देखो बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय दलों की बात करें तो हमारे भारत में 7 राष्ट्रीय दल है। ये दल कम और ज्यादा होते रहते हैं बच्चों, हर चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में इनमें फेरबदल होता रहता है। तो ये फेरबदल सही जो अभी का आंकड़ा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। और राष्ट्रीय दल के साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति पढ़ने से पहले बच्चों आपको दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना जरूरी था। तो कक्षा 12th के विद्यार्थी के साथ कंपटीशन क्लासेस के विद्यार्थी भी मेरे इस वीडियो को देखे, समझे और दलीय व्यवस्था के ये जो 2 आंकड़े थे इनको कॉपी में जरूर नोट डाउन करें बच्चों कि राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है या क्षेत्रीय दल की मान्यता कब प्राप्त होती है, इन सब के बारे में आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि भारतीय राजनीति की पॉलिटिकल साइंस कि जितने भी टॉपिक्स है सारे मैं आपको क्लियर करवाऊं और मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सबको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूं, तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैं आगे के वीडियोज़ भी आपके लिए बनाती रहूँगी और आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा सको, आगे की तैयारी कर सको, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सको, यही मेरी आशा है बच्चों। धन्यवाद।